दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल पे रंगोली के बारे में। आप सभी को ये पता होगा कि गूगल पे की तरफ से 5 स्टाम्प क्लियर करने पर आपको 251 रुपए मिला करती है। तो यहाँ पर जो है रंगोली की किल्लत आ चुकी है सभी यूजर के पास। गूगल पे की तरफ से अभी तक रंगोली जो है बहुत कम यूजर को मिल रहा है। इस पर बहुत सारे ट्रिक, बहुत सारे ऐसे वीडियो यूट्यूब पर बनाए जा रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि आप जो है बिल पेमेंट करो, रिचार्ज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, स्विगी पर परचेस कर लो, तो आपको ये रंगोली प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहां पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ऐसे ऐसे करके लूट मत जाना, क्योंकि गूगल पे की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं लिखा गया है। और सबसे बड़ी बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, हालांकि कुछ लोगों को यह बुरा भी लगेगा, जो लोग वीडियो बना रहे और बोल रहे हैं कि यह ट्रिक है, आप जो है स्विगी पर परचेस कर लो या फिर दो बार पेटीएम वॉलेट में लोड मनी करो, उसके बाद मोबाइल नंबर, गलत मोबाइल नंबर डालकर रिचार्ज कर लो, तो आपको यहां पर रंगोली मिल जाएगा। लेकिन उनको बुरा भी लगेगा, मैं बोल रहा हूं कि उनके अकाउंट पर मैंने खुद देखा है कि जो 4 स्टैंप है रंगोली को छोड़कर, 4 स्टैंप है जिसमें 10, 15 और 4, 5 ऐसे थे। तो अगर उनको हमेशा, अगर डेली के हिसाब से पर अकाउंट पर यह ट्रिक काम कर रहा है, तो उनके अकाउंट में आखिर चारों स्टैंप क्यों पड़ा हुआ है? उनके अकाउंट में तो सारा स्टैंप क्लियर होना चाहिए और उनको 251 करके बहुत सारे कैशबैक अभी तक के रिसीव हो जाना चाहिए। दोस्तों बात ये नहीं है, बात ऐसे बनती है। वीडियो मैं आपको बताना चाहूंगा स्पष्ट रूप से, आपको बुरा लगेगा तो डिसलाइक कर देना, कमेंट में 2-4 गाली लिख देना, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सच्चाई है वही हम आपको बता रहे हैं। हमें भी यहां पर रंगोली प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ पेटीएम वॉलेट में लोड मनी करने पर प्राप्त हुए हैं। तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम आपको बता दें कि यह ट्रिक है और आप जो है लोड मनी कर लो, चाहे आपका पेटीएम वॉलेट में पैसा पड़ा रहे या फिर आप अपने पैसे को बर्बाद कर लो, यह कोई ट्रिक नहीं होता है। ट्रिक वो होता है जो उस मेथड से हर अकाउंट पर काम कर जाए। जैसे यहां पर हमने ट्रिक बताया कि पेटीएम वॉलेट में लोड मनी करो तो आपको मिलेगा, तो मान लो कि 1-2 लोगों को मिला, लेकिन वो तो ट्रिक नहीं है ना। ट्रिक होना चाहिए ऐसा कि सभी अकाउंट पर ये काम करे। सबसे बड़ा बात यहां पर गूगल पे की तरफ से ये है कि रैंडमली अगर आप पेमेंट करते हो, जैसे अभी मोबाइल रिचार्ज कर लियो, उसके बाद मान लो कि बिल पेमेंट कर लियो, तो इस तरह से रैंडमली पेमेंट करते हैं तो हो सकता है कि आपका चांसेस बनेगा कि आपको यह मिल पाएगा। लेकिन ये तो गलत बात है कि हम आपको बता दें कि बिल पेमेंट करो या फिर सिर्फ मोबाइल रिचार्ज करो या फिर स्विगी वगैरह पर आप परचेस करो तो आपको यहां पर रंगोली मिल पाएगा। तो दोस्तों यहां पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आपको रियल में ट्रांजेक्शन करना है, जैसे बिल पेमेंट करना है, DTH रिचार्ज करना है, तभी करें। आप गूगल पे रंगोली के चक्कर में आप अपना पैसा को बर्बाद ना करें, क्योंकि इससे नहीं मिलने वाला है। आगे की वीडियो में हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे, क्योंकि हम वो करके देख चुके हैं कि किस तरह से हमने यहां पर मोबाइल रिचार्ज किया, पेटीएम वॉलेट में लोड मनी किया, उसके बाद हमने यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पेमेंट किया, फिर भी हमें रंगोली प्राप्त नहीं हुआ है। आप यहां पर मेरे अकाउंट पर खुद देख सकती हैं कि झुमका में 10, फ्लावर में 4 और दिया में 15 और ललटेन में 12 है। दोस्तों यहां पर मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था कि यहां पर गूगल पे ने यह स्पष्ट किया है कि आपको फ्लावर या रंगोली मिलेगा अगर आप मोबाइल रिचार्ज या फिर बिल पेमेंट करते हैं तो, लेकिन यह नहीं कहा गया है कि अगर आप सेंड मनी करोगे या फिर पेटीएम वॉलेट में लोड मनी वगैरह करोगे तो आपको रंगोली नहीं मिलेगा। यह कतई नहीं, गूगल पे ने यह कहीं नहीं लिखा है। और यहां पर ज्यादा चांसेस जो है फ्लावर और रंगोली का, वो आपको मोबाइल रिचार्ज या फिर बिल पेमेंट करने पर आपको मिलते हैं। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि आप अपने चांसेस को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम श्योर नहीं बता सकते कि आप बिल पेमेंट करो या फिर मोबाइल रिचार्ज करो तो आपको रंगोली मिल ही जाएगा। हमने यहां पर बिल पेमेंट किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया, मोबाइल रिचार्ज किया, हमेशा हमें फ्लावर ही मिला है, जो कि आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे भी। तो दोस्तों इस वीडियो का बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना था कि आप लोग 251 रुपए के चक्कर में इधर उधर पैसा बर्बाद ना करें, जबरदस्ती मोबाइल रिचार्ज ना करें, जो नहीं करना है वो बिल्कुल ना करें। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि चलो भाई स्विगी से हम खाना मंगा लेते हैं, उसके बाद हो सकता है रंगोली मिल जाएगा, तो 251 रुपए जो है हमें यहां पर रिसीव हो जाएगा। लेकिन अगर रियल में आपको खाना मंगाना है तब जाके आप गूगल पे का सहारा लीजिए, नहीं तो आपको मैं बता दूं कि अगर स्विगी से खाना मंगाने में कहीं अलग आपको कैशबैक मिल रहा है तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि यहां पर इसका कोई भी भरोसा नहीं है, ज्यादातर आपको फ्लावर भी दिया जाएगा। तो बातों से यदि आप सहमत है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर कोई भी दिक्कत होती है, मतलब हमारे बातों से अगर बुरा लगता है, तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट में आपको जो मन करेगा वो लिख सकते हैं, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूं।
तो दोस्तों ये है गूगल पे का अकाउंट जिस पर हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करके देख लिया। यहाँ पर हमें रंगोली नहीं प्राप्त हुआ था, तो आपके सामने यहाँ पर मैं वो रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ जिस रिकॉर्डिंग में हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया। तो इलेक्ट्रिसिटी पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर अपना वोट को सेलेक्ट किया, और वोट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो अकाउंट नंबर मतलब जो कस्टमर आईडी होती है बिजली बिल का, तो वहाँ पर हमने यहाँ पर डाल दिया। जैसे देख सकते हैं कस्टमर अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है, उसके नीचे अकाउंट नेम डालनी है। तो हमने ये सारा कुछ डालकर उसके बाद पेमेंट पेज पर आ गए, जो कि 363 रुपये का हमने बिल पेमेंट किया था। और दोस्तों यहाँ पर हमने पेमेंट किया लेकिन इस अकाउंट में मेरा पैसा नहीं था। उसके बाद हमने रिटर्निंग में इस पर पैसा डाला, उसके बाद हमने पेमेंट किया, जो कि आप देख सकते हैं लगातार हम इस अकाउंट पर इससे पहले 2 मोबाइल रिचार्ज कर चुके थे, और इससे पहले 1 DTH रिचार्ज भी किए थे, और के बाद हमने यहां पर बिल पेमेंट किया इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बाद भी हमें रंगोली यहां पर नहीं मिल पाया। तो यहां पर हमने फिर से इसमें अमाउंट डाला बैंक अकाउंट में, जो कि बैंक अकाउंट खाली हो चुका था बिल्कुल। तो यहां पर अमाउंट डालने के बाद हमने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया। ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के बाद हम आपको अभी रिवार्ड वाले में जाकर दिखाएंगे कि किस तरह से यहां पर हमें फ्लावर रिसीव हुए हैं। तो यहां पर आप ऊपर में देख सकती हैं 3 फ्लावर जो है अभी शो हो रहा है। इससे पहले जो हमने मोबाइल रिचार्ज किया था उस वक्त हमें ये शो नहीं हुआ था कि कौन सा स्टाम्प हमें मिल पाया है। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि 5 फ्लावर हो गए, मतलब मोबाइल रिचार्ज करने के बाद भी हमें फ्लावर रिसीव हुआ, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने के बाद भी हमें फ्लावर रिसीव हुआ। तो फाइनली ये बात ये है कि आप लोग अपना पैसा बर्बाद ना करें। अगर आपको बिल वगैरह पेमेंट करना है तो वही आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन करें। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें।